हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्प्लैश स्क्रीन को क्रिएट किए थे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने लेआउट फाइल को क्रिएट किए थे, एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन डॉट एक्सएमएल को, एंड फिर बाद में हमने जावा फाइल को क्रिएट किए थे। ओके, तो इस वीडियो में हम रजिस्टर डॉट एक्सएमएल को क्रिएट करने वाले हैं, मीन्स फ्रंटेड पार्ट करने वाले हैं रजिस्टर पेज का। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एक्सएमएल में आना होगा, एंड स्प्लिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं। आपको एंटर प्रेस करना है, एंड यहाँ से आपको सबसे पहले तो बैकग्राउंड सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे हमने स्प्लैश स्क्रीन में बैकग्राउंड सिलेक्ट किए थे येलो कलर का, वैसे हमें बैकग्राउंड सिलेक्ट करना होगा। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बैकग्राउंड प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको जस्ट इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ, एंड आपको ड्रॉबल में आना होगा, एंड कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देना है। तो मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, एंड ओके बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, एंड इसका नेम हम आई ही रख देते हैं। ओके, एंड ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, @ ड्रॉबल जो हमने अभी अभी सिलेक्ट किए। तो आप जैसे ही आई सर्च करोगे तो आपको ये देखो रिकमेंडेशन में आ जाएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड एंटर बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो अभी बैकग्राउंड हमारा अच्छे से शो हो रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, इसके नीचे आ जाना है रजिस्टर के नीचे, एंड आपको एक टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट व्यू में हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो साइन अप हियर ऐसा टाइटल रहेगा, तो इसमें हमारे दो टेक्स्ट व्यू रहेंगे, एक साइन अप के नेम से एंड एक हियर के नेम से। तो मैं जल्दी जल्दी इस टेक्स्ट व्यू को क्रिएट कर देता हूँ। तो इस टेक्स्ट व्यू को क्रिएट करने के लिए बस आपको टेक्स्ट व्यू को सर्च करना होगा यहाँ पे, एंड इस टेक्स्ट व्यू को हमें एंटर करना होगा। तो इसकी विड्थ एंड हाइट आपको दे देनी है रैप कंटेंट। ये होने के बाद आपको आईडी डिफाइन करना होगा, तो मैं आईडी में डिफाइन कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू। तो आपको सिलेक्ट करना है आईडी @ID, एंड यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट व्यू। ओके, ये होने के बाद आपको एंटर कर देना है, सॉरी आपको टेक्स्ट व्यू ही एंटर करना है। ओके, तो हम एंटर कर देंगे इसके बाद, एंड यहाँ पे हम टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करते तब तक हमें एक विजुअलाइजेशन नहीं होता। तो यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ साइन अप। तो देख सकते हो जैसे मैं साइन अप करूँगा तो यहाँ पे साइन अप के नेम से एक टाइटल शो हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन अप शो हो रहा है। ओके, तो ये काफ़ी कलर इसका डिफरेंट लग रहा है, तो इसका कलर चेंज करना होगा हमें वाइट कलर में। तो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ मैं टेक्स्ट कलर एट्रीब्यूट। तो टेक्स्ट कलर में आपको प्रोवाइड करना है #@ColorWhite। ये होने के बाद आपको अगेन एंटर करना है, एंड बॉटम टू बॉटम अप आपको प्रोवाइड करना होगा। सॉरी, पहले तो हम इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल लग रहा है। तो टेक्स्ट कलर के बाद हम टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं 35 SP। ओके, तो आप देख सकते हो अभी साइन अप थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने एस प्रोवाइड नहीं किया इसलिए शो नहीं हो रहा है। तो देख सकते हो अभी हो चुका है। ओके, ये होने के बाद हमें इसको तो सबसे पहले यहाँ पे लेके आना होगा। तो इसको यहाँ पे लेके आने के लिए आपको एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, बॉटम टू बॉटम अप। इसको आपको पैरेंट प्रोवाइड करना होगा, अगेन आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको प्रोवाइड करना है एंड टू एंड ऑफ, इसको भी आपको पैरेंट प्रोवाइड करना होगा। तो इसको भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ पैरेंट। यहाँ पे आपको स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ का यूज़ करना होगा, तो इसमें भी आपको क्या प्रोवाइड करना है पैरेंट। ओके, ये होने के बाद आपको टॉप टू टॉप ऑफ का यूज़ करना होगा, जिसमें आपको अगेन पैरेंट का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ टॉप टू टॉप ऑफ पैरेंट, एंड यहाँ से मैं वर्टिकल बायस को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो अभी सेंटर में आ चुका है। तो वर्टिकल बायस हम कितना करेंगे, 0.07। तो ये जो दिख रहा है आपको लेआउट कंस्ट्रेंट वर्टिकल बायस आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देना है 0.07। ओके, तो अभी हमारा इस टेक्स्ट व्यू का वर्क हो चुका है, साइन अप करके हेडिंग आ चुकी है। इसको तो मैं सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ, एंड यहाँ पे हियर के नेम से हमें एक टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको अगेन टेक्स्ट व्यू का सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू एंटर कर देता हूँ। ये होने के बाद आपको विड्थ एंड हाइट आपको दे देनी है रैप कंटेंट।
यहाँ से आपको आईडी को भी प्रोवाइड करना होगा, तो मैं आईडी प्रोवाइड कर दूंगा टेक्स्ट व्यू टू करके नेम से। ओके, तो आपको टाइप करना है आईडी @ID टेक्स्ट व्यू टू। तो अभी मैं मार्जिन टॉप यूज कर लेता हूँ यहाँ से। मार्जिन टॉप आपको सिलेक्ट करना होगा 10 dp, एंड टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना होगा हियर के नेम से। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे दे दूंगा हियर। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हियर के नेम से टेक्स्ट आ चुका है। तो सेम आपको इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना होगा, तो इसको भी मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। तो टेक्स्ट कलर मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेक्स्ट कलर हैश DF2E3 2E3, ठीक है। आपको ये कलर चूज करना होगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आपको ई प्रोवाइड करना था, तो ई प्रोवाइड नहीं किया था। ओके, तो अभी हमने कलर प्रोवाइड कर दिया है। तो इसी टेक्स्ट कलर को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड कलर व्हाइट की जगह हम इसको यूज कर लेंगे, इस कलर को। ओके, तो यहाँ पे आपको हैश प्रोवाइड करना होगा, पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, तो इससे थोड़ा स्मॉल चाहिए, तो टेक्स्ट साइज में हमें 21 sp का यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 21 sp। ये होने के बाद हम एंड टू एंड ऑफ स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ यूज करेंगे, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ Ctrl V से, एंड यहाँ पे मैं एसपी को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हियर यहाँ पे आ चुका है। अभी हमें टॉप टू बॉटम ऑफ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें साइन अप के नीचे चाहिए, तो इसलिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, टॉप टू बॉटम ऑफ, टॉप टू बॉटम ऑफ, एंड इसमें एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर देंगे टेक्स्ट व्यू के नेम से @TextView। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हियर यहाँ के आई आई है, तो एक काम करेंगे हम इसको अच्छे से सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट व्यू। एक काम कर देता हूँ मैं इस आईडी को जैसे कि वैसे कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो अभी हियर आ चुका है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इस टेक्स्ट व्यू को। तो अभी हमारा दोनों भी टाइटल का वर्क हो चुका है। अभी हमें एडिट टेक्स्ट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फुल नेम एंटर करना है यूजर से। तो मैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का यूज करूंगा, एंड विड्थ को हम प्रोवाइड कर देंगे 0 dp, एंड हाइट को हम प्रोवाइड करेंगे रैप कंटेंट। तो यहाँ पे रैप कंटेंट हाँ सिलेक्ट हो रहा है। ओके, तो एक काम करेंगे हम p प्रोवाइड कर देंगे, रैप कंटेंट खुद ब खुद आ जाएगा। ये होने के बाद आपको मार्जिन स्टार्ट भी यूज करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ी गैप चाहिए, जो एडिट टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में गैप रहेगा, इसलिए हम यूज करेंगे मार्जिन स्टार्ट। बट इससे पहले तो हम एडिट टेक्स्ट को आईडी डिफाइन कर देंगे। तो आईडी में हम प्रोवाइड कर देंगे फुल नेम, तो ये होने के बाद आपको एंटर कर देना है यहाँ से, एंड यहाँ से आपको मार्जिन स्टार्ट यूज करना होगा। मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ मार्जिन स्टार्ट। तो मार्जिन स्टार्ट में हम प्रोवाइड करेंगे 16 sp, तो आप SP भी प्रोवाइड कर सकते हैं, DP भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने गैप दे दिए, एंड सेम आपको मार्जिन एंड भी यूज करना होगा, क्योंकि एडिट टेक्स्ट में यहाँ से भी थोड़ी गैप चाहिए। तो मार्जिन एंड हम कितना दे देंगे, जितना मार्जिन स्टार्ट है उतना ही, 16 dp। ये होने के बाद आपको एंटर करना होगा एंड आपको EMS प्रोवाइड करना होगा। तो EMS हम कितना दे देंगे, 10, एंड हिंट में आपको प्रोवाइड कर देना है फुल नेम के नेम से, हिंट फुल नेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा शो हो रहा है, बट यहाँ पे हमारा काफी स्मॉल शो हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे इसकी टेक्स्ट साइज को इंक्रीज कर देंगे 20 के नेम से, टेक्स्ट साइज 20 sp। ये होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप एंटर कर लेंगे। तो इनपुट टाइप हमारा रहेगा पर्सन नेम के नेम से, क्यों, क्योंकि जो भी नेम एंटर करेगा
तो नेम का पर्सन ही रहेगा, मीन्स पर्सन नेम रहेगा। तो यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट पर्सन नेम करके रहता है, तो जैसे कि आप देख सकते हो टेक्स्ट पर्सन नेम करके होता है, तो इसको आपको बस सिलेक्ट करना है इनपुट टाइप में, एंड ये होने के बाद आपको पैडिंग दे देना है 10 dp। तो पैडिंग हम देंगे तो अच्छा लगेगा, चारों की तरफ से अंदर में स्पेस आएगी, पैडिंग में वही होता है। ओके, एंड अभी हम क्या कर देते हैं, टेक्स्ट कलर प्रोवाइड कर देते हैं। ब्लैक कलर अच्छा शो नहीं हो रहा है इसलिए हम प्रोवाइड करेंगे हैश कलर FF मीन्स व्हाइट कलर। ओके, तो अभी हमने व्हाइट कलर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। टेक्स्ट कलर हिंट, ये जो ब्लैक कलर है इसकी हिंट कलर हमें चेंज करना होगा। तो ये हिंट कलर में आपको क्या प्रोवाइड करना है, हैश D844D4। सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, आपको प्रोवाइड करना है D8D4D84। ओके, ये कलर आपको प्रोवाइड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने फुल नेम के नेम से इसका कलर हिंट चेंज कर दिया। ये होने के बाद आपको सबसे पहले तो इसको यहाँ पे लाना होगा, तो इसलिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे, बॉटम टू बॉटम ऑफ, एंड टू एंड ऑफ, एंड स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, जैसे कि यहाँ पे है। तो बस आपको कंट्रोल सी से कॉपी करना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ तीनों भी एट्रीब्यूट को, एंड नीचे में आएंगे एंड इसको पेस्ट कर देंगे एडिट टेक्स्ट में। ओके, ये होने के बाद आपको क्या करना है, टॉप टू बॉटम ऑफ प्रोवाइड कर देना है। तो सेम आपको प्रोवाइड करना होगा टॉप टू बॉटम ऑफ। तो यहाँ पे एंटर नहीं हो रहा है, तो अगेन आपको सिलेक्ट करना होगा, नो सजेशन करके शो हो रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल सी से, एंड इसके नीचे हम पेस्ट कर देंगे। ओके, ये होने के बाद किसके नीचे चाहिए, तो इस टेक्स्ट व्यू के नीचे चाहिए, तो इसलिए हम आईडी प्रोवाइड कर देंगे टेक्स्ट व्यू 2। ओके, एंड यहाँ पे हमने दो दो एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे आपको बॉटम टू बॉटम ऑफ चाहिए थी, तो हमने गलती से टॉप टू बॉटम ऑफ कॉपी कर लिए थे। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ बॉटम टू बॉटम ऑफ को। ये होने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे फुल नेम आ जाएगा, मीन्स अभी हमारा कंप्लीटली यहाँ का वर्क हो चुका है। तो अभी मैं सबसे पहले इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम वर्टिकल बायस को भी प्रोवाइड कर देंगे, वैसे तो नीड नहीं है, तब भी हम प्रोवाइड कर देंगे वर्टिकल बायस। तो इसमें आपको कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, 0.1399। ओके, तो आप देख सकते हो वर्टिकल बायस प्रोवाइड करने के बाद हमारा टेक्स्ट व्यू सबसे टॉप में आ चुका है। ये होने के बाद अभी हम एडिट टेक्स्ट को बस कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। जैसे फुल नेम हो चुका है, फुल नेम के बाद ईमेल का ऑप्शन होता है, तो इसको मैं जस्ट कॉपी एंड इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे वर्टिकल बायस की नीड नहीं रहेगी, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मैं फुल नेम की जगह प्रोवाइड कर दूंगा ईमेल, तो आपको कैपिटल ई लेना है, एंड आपको ये होने के बाद आ जाना है, फुल नेम की जगह एंटर करना होगा ईमेल, क्योंकि हिंट में हमें ईमेल ही एंटर करवाने के लिए यूजर को बोल देंगे। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल शो हो रहा है, बट यहाँ पे हमने ये मिस्टेक कर दी थी। तो यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन आ चुका है, एंड हिंट टाइप को भी आपको चेंज करना होगा। तो टेक्स्ट पर्सन तो नहीं देख सकते हम, तो ईमेल का भी एक ऑप्शन होता है हिंट टाइप में, तो वही आपको प्रोवाइड कर देना है। तो हम बैकस्पेस इसको सबसे पहले रिमूव कर देंगे, तो ईमेल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए हम प्रोवाइड कर देंगे टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, टेक्स्ट ईमेल एड्रेस। आप देख सकते हो इनपुट टाइप आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे खुद ब खुद यही सेम रहेगी, बस हमें ये जो टॉप टू बॉटम आप ये जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा फुल नेम के नेम से। तो मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ फुल नेम, क्योंकि इसके नीचे चाहिए, ठीक है, हमारा ईमेल जो रहेगा वो इसके नीचे रहेगा, इसलिए आपको प्रोवाइड कर देना है फुल नेम। तो अभी हमने यहाँ पे एंटर कर दिए। ये होने के बाद आपको क्या करना है, एक चेंज करना होगा बॉटम टू बॉटम ऑफ, इसको रिमूव करना होगा आपको, क्योंकि ये
ज़्यादा ही नीचे आ चुका है। तो आप देख सकते हो अभी हमने इसको अच्छे से प्रोवाइड कर दिया, बट यहाँ पे ईमेल ऊपर आ चुका है तो ये थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, तो इसको चेंज करना होगा आपको मार्जिन टॉप से। मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ मार्जिन टॉप 16 dpi। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पे ये नीचे आ चुका है। अभी हमें पासवर्ड के लिए भी क्रिएट करना होगा, तो मैं इसको बस कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा जैसे हमने फुल नेम को किए थे। ओके, तो कंट्रोल वी कर दूंगा। ईमेल की जगह आपको बस एंटर करवाना होगा पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ पासवर्ड। ये होने के बाद हम प्रोवाइड करने के लिए बोलेंगे हिंट में पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे हम टॉप टू बॉटम आप किसी नीचे रहेगा तो फुल नेम के नीचे, सॉरी ईमेल के नीचे रहेगा, तो ईमेल के नीचे हम प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि ये जो ईमेल है इसके नीचे ही रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे ईमेल ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, ये होने के बाद हमें पासवर्ड हिंट अच्छे से प्रोवाइड करना होगा पासवर्ड। ओके, अभी आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है यहाँ का, बट इनपुट टाइप भी आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि इनपुट टाइप अभी ईमेल एड्रेस तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा टेक्स्ट पासवर्ड के नेम से जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है। तो अभी हमारा पासवर्ड का भी वर्क हो चुका है, तो सेम आपको कॉपी करना होगा यहाँ को कंट्रोल सी से, एंड यहाँ पे पेस्ट करना होगा फोन नंबर के लिए। मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, तो एंटर आपको करना अच्छे से एंड यहाँ पे पेस्ट करना है। तो आईडी में दे देता हूँ फोन नंबर मीन्स फोन, एंड यहाँ से हिंट में चेंज कर देता हूँ पासवर्ड शो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा फोन नंबर करके। ओके, तो यहाँ पे आपको कैपिटल पी फोन नंबर, इनपुट टाइप में आपको चेंज करना है फोन के नेम से क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक फोन नंबर का होता है, तो उसी को ही हम सिलेक्ट करेंगे। एंड किसके नीचे चाहिए, तो हमें चाहिए पासवर्ड के नीचे, तो टॉप टू बॉटम प्रोवाइड करेंगे हम पासवर्ड। तो @ID पासवर्ड, तो आप देख सकते हो अभी हमारा फुल नेम ईमेल पासवर्ड एंड फोन नंबर सभी चीजें हो चुकी है। अभी हमें एक बटन के नेम से क्रिएट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना होगा क्योंकि जो भी नेम ईमेल पासवर्ड फोन नंबर सभी चीजें एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेगा कोई भी यूजर, तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे एक बटन। तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो एरर क्यों शो हो रहा है हम देख लेते सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने आईडी डिफाइन नहीं की है। ओके, 2 मिनट में देख लेता हूँ। सबसे पहले हमने फुल नेम दे दिया है, ये होने के बाद हमने ईमेल प्रोवाइड किया है, इसके बाद पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड के बाद हमने फोन नंबर प्रोवाइड कर दिया, बट यहाँ पे पासवर्ड में एरर शो हो रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे 2 पासवर्ड आ चुके हैं, तो इसको हमें चेंज करना होगा, ठीक है, मीन्स एक को रिमूव करना होगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एक पासवर्ड को। तो आई थिंक यह सभी कोई भी एरर शो नहीं होगा, तो हाँ अभी कम्प्लीटली एरर रिजॉल्व हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना होगा, फोन नंबर के नीचे आना होगा एंड एक बटन क्रिएट करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम क्रिएट कर लेते हैं। मैंने वाली यहाँ पे टाइप करूँगा बटन, इसकी विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड करेंगे हम 0 dpi। पहले तो विड्थ प्रोवाइड करेंगे 0 dpi एंड हाइट रहेगी रैप कंटेंट, मीन्स जितना भी हमारा टेक्स्ट रहेगा उतनी हमारी बटन रहेगी। ओके, इसलिए हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं रैप कंटेंट। ये होने के बाद आपको आईडी डिफाइन कर देना, तो आईडी में आपको तो रजिस्टर बटन ही यूज करना होगा, तो @ID रजिस्टर बटन, ये होने के बाद आपको एंटर करना है। एंड मार्जिन स्टार्ट आपको यूज करना होगा, मार्जिन स्टार्ट में आपको 50 dpi यूज करना होगा, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ 50 dpi। मार्जिन एंड भी यूज करना होगा आपको, जैसे हमने यहाँ पे मार्जिन स्टार्ट मार्जिन एंड यूज किया, सेम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 50 dpi। ओके, ये होने के बाद हम मार्जिन टॉप यूज करेंगे, तो मार्जिन टॉप आपको कितना यूज करना है, 32 dpi।
ये होने के बाद आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करना होगा, इसमें टेक्स्ट रहेगा हमारा, तो टेक्स्ट में हम लिख देंगे रजिस्टर के नेम से टेक्स्ट, रजिस्टर ये होने के बाद आपको एंटर करना है एंड टेक्स्ट साइज आपको चेंज करना होगा, तो टेक्स्ट साइज में थोड़ा बड़ा देता हूँ इसको, 20 SP कर देता हूँ एंड टेक्स्ट कलर इसको चेंज करना होगा व्हाइट में कर देता हूँ मैं, वैसे तो व्हाइट कलर है बट स्टिल मैं चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट कलर व्हाइट मीन्स #FFF। तो @ हमने गलती से सिलेक्ट कर लिया इसलिए मैं हैश सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से बटन शो हो रही है, तो यहाँ पे मैं पैडिंग में एंटर कर देता हूँ। तो पैडिंग में आपको 10 dB ही यूज़ करना होगा। तो अभी हमारी रजिस्टर बटन तो ऊपर में, तो इसको यहाँ पे लेके आने के लिए क्या करना होगा, पहले तो स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ यूज़ करना होगा, एंड टू एंड ऑफ एंड बॉटम टू बॉटम ऑफ, ये 3 एट्रीब्यूट का हमें यूज़ करना होगा। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ Ctrl+C से एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो हमें टॉप टू बॉटम ऑफ किसके नीचे चाहिए, तो हमें चाहिए फोन नंबर के नीचे, तो फोन नंबर में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टाइप कर देता हूँ फोन नंबर। तो जैसे हम फोन नंबर प्रोवाइड करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगी। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे अच्छे से शो हो रही है। अभी हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू का यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे शो होता है जैसे कि ऑलरेडी अकाउंट, ठीक है, लॉग इन हियर करके एक ऑप्शन होता है, तो वही हमें एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम 2 टेक्स्ट व्यू का यूज कर लेते हैं, एक ऑलरेडी अकाउंट लॉग इन हियर करके। ओके तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू में आपको ID प्रोवाइड करनी है। पहले तो विड्थ एंड हाइट हम प्रोवाइड करेंगे रैप कंटेंट, रैप कंटेंट के नेम से एंड टेक्स्ट व्यू के ID में प्रोवाइड कर दूंगा ID @ID क्रिएट टेक्स्ट। ये होने के बाद आपको मार्जिन टॉप का यूज करना होगा, तो मार्जिन टॉप हमें यूज करना है 18 dp एंड इसमें हम प्रोवाइड कर देंगे टेक्स्ट ऑलरेडी अकाउंट। ?? लॉग इन हियर ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया बट यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है। तो टेक्स्ट कलर मैं चेंज कर देता हूँ इसका। सबसे पहले टेक्स्ट कलर में आपको प्रोवाइड करना है #FFEB कैपिटल ई यूज करना आपको, ई कैपिटल बी 3 B ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है ऑलरेडी अकाउंट लॉग इन हियर बट अच्छे से शो नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा टेक्स्ट साइज 17 SP डिफाइन कर देते हैं, टेक्स्ट साइज 17 dp ओके। ये होने के बाद आपको यूज करना होगा इस एट्रीब्यूट का, ओके, एंड टू एंड ऑफ, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, बॉटम टू बॉटम ऑफ। तो बस इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ओके। तो बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है, जो हमारा ये यहाँ पे आ चुका है, क्यों, क्योंकि हमने फोन के नीचे किया है, बट हमें फोन के नीचे नहीं तो बटन के नीचे चाहिए। तो हमने बटन की ID डिफाइन किए थे रजिस्टर बटन, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ बॉटम टू रजिस्टर बटन के नेम से ओके। तो रजिस्टर बटन, ये होने के बाद आपको सबसे पहले तो इसको क्लोज कर देना है एंड इसको भी क्लोज कर देना है टेक्स्ट व्यू के नीचे। तो अभी आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। सबसे पहले तो हमने 2 टेक्स्ट व्यू का यूज किया एंड बाद में 4 एडिट टेक्स्ट का यूज किए एंड फिर एक बटन का एंड बाद में एक टेक्स्ट व्यू का। यहाँ पे हमें एक प्रोग्रेस बार इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि अगर कोई यूजर आता है रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो उसको प्रोग्रेस बार शो होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अभी टेक्स्ट व्यू के नीचे आ जाएंगे एंड यहाँ पे हम मैन्युअली टाइप करेंगे प्रोग्रेस बार
तो प्रोग्रेस बार में विड्थ देन हाइट हमें टाइप करनी होगी रैप कंटेंट, रैप कंटेंट इसकी आईडी आपको डिफाइन करना होगा। तो आईडी में आपको क्या डिफाइन करना है, प्रोग्रेस बार, तो एट द रेट आईडी प्रोग्रेस बार, ये होने के बाद अगेन आपको एंटर करना है। तो इसकी थोड़ा साइज भी डिफाइन करना होगा, तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ स्टाइल। स्टाइल में प्रोग्रेस जो एट्रीब्यूट होता है वही हम यूज करेंगे, प्रोग्रेस स्टाइल। तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो इसलिए क्या कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन मार्क प्रोवाइड कर देता हूँ। एंड्रॉइड मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा हमें, एंड्रॉइड यहाँ पे टाइप करना है बार स्टाइल। तो आई थिंक एन टाइप कर दिया हमने, बार स्टाइल, यस। तो अभी आप देख सकते हो अभी हमारा स्टाइल इम्प्लीमेंट हो चुका है। ये होने के बाद आपको तो इसकी विजिबिलिटी तो अभी इनविजिबल ही कर देंगे, वो सबसे लास्ट में कर लेंगे। ओके तो अगेन हमें यहाँ पे टाइप करना होगा बॉटम टू बॉटम ऑफ, एंड टू एंड ऑफ एंड स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया है। दो मिनट, तो सभी जगह हमने सिर्फ स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ एंड एंड टू एंड ऑफ यूज किया है। तो सेम यहाँ पे पेस्ट करना होगा इसको नीचे लेके आने के लिए, एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे बॉटम टू बॉटम ऑफ क्योंकि सबसे नीचे चाहिए, इसलिए हम यूज कर रहे हैं बॉटम टू बॉटम ऑफ। एंड इसको आपको क्या प्रोवाइड करना होता है, पेरेंट, एंटर करना होगा आपको। एंड यहाँ पे आपको यूज करना होगा टॉप टू बॉटम ऑफ, किसके नीचे चाहिए, तो टेक्स्ट के नीचे, ये जो टेक्स्ट है इसके नीचे चाहिए, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ टॉप टू बॉटम ऑफ। एंड आईडी में प्रोवाइड कर देंगे क्रिएट टेक्स्ट, क्रिएट टेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। ये होने के बाद आपको वर्टिकल बायस प्रोवाइड कर देने 0.26, तो मैं यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर देता हूँ वर्टिकल बायस, तो वर्टिकल लेआउट कंस्टेंट वर्टिकल बायस 0.26। ये होने के बाद प्रोग्रेस बार को क्लोज कर देना है, बट इस प्रोग्रेस बार को इनविजिबल करना है। ओके क्योंकि कोई भी यूजर आएगा तो उसको प्रोग्रेस बार तो शो नहीं होगा, जब वो रजिस्टर पे क्लिक करेगा तब जाके प्रोग्रेस बार विजिबल होगा, जो कि हम जावा में सेट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ विजिबिलिटी इनविजिबल, विजिबिलिटी इनविजिबल। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इनविजिबल कर दिया तो यहाँ पे प्रोग्रेस बार हिडन हो चुका है। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एग्जामिनर का। तो अभी काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक्टिविटी लॉगिन डॉट एग्जामिनर को कैसे क्रिएट करते हैं। ओके तो मिलता है अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।